जय हिंद दोस्तों, आज कुछ अलग स्मार्टफोन का भाई अनबॉक्सिंग दिखाएंगे। करेंगे तो है नहीं पता होगा कि भाई, क्योंकि यह इंटरनेशनल प्रोडक्ट है भाई, जो कि भाई 50,000 के प्राइसिंग में इतना बेहतर स्पेसिफिकेशन लेके आता है ना भाई। हम काफ़ी दिन पहले सोचे थे इस पर वीडियो बनाने के लिए, लेकिन फिर मन नहीं किया। फिर देखे कि सिफोटेक चैनल है, वहाँ पर यह फोन का भाई वीडियो डाला गया है, जो कि देख सकते हैं व्यू भी अच्छा खासा है भाई। तो भाई आप लोग नोबिया के फ़ोन के बारे में सुने होंगे, तो काफ़ी गेमिंग फ़ोन बनाता है, लेकिन यह एक कैमरा वाला फ़ोन है। तीनों कैमरा सेंसर में OIS डाला जाता है भाई, अंडर डिस्प्ले सेल्फी आता है भाई, IP68 रेटिंग के साथ आता है भाई, 6000 mAh का बैटरी आता है भाई, वो कि भाई क्रेजी लेवल का चीज़ आता है। इसमें आप लोगों को अनबॉक्सिंग दिखाते हैं भाई। तो बॉक्स देख सकते हैं, काफ़ी अलग और काफ़ी बड़ा है बॉक्स। बॉक्स में काफ़ी रिफ्लेक्शन वाला चीज़ आ रहा है, देख सकते हैं, जो कि इंडिया में इस तरह का बॉक्स आता नहीं है भाई। जो आता है एप्पल सैमसंग भाई, चार्जर डाटा केबल सब भरे अपन रख लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, बॉक्स खोलते दो चार्जर निकलता है भाई, इंडिया में एक भी चार्जर नहीं मिलता है, देख सकते हैं। जो कि यहाँ पर डबल डाटा केबल भी आता है, देख सकते हैं, डबल फोन नहीं आता है, जो भी है फोन हाथ में उठाते तो काफ़ी बॉक्सी टाइप का लग रहा देखने में। बैक डिजाइनिंग देख सकते, काफ़ी अलग और नया टाइप से लगा भाई, पसंद उतना खास नहीं आया हमको। बाकी मेटल फ्रेम के साथ आता है भाई, जो कि अगरा है भाई, गोरिल्ला ग्लास के साथ आता है भाई, आगे पीछे दोनों पार्टी भाई, जो भी है। यहाँ पर एक कर्व डिस्प्ले नहीं है भाई, और आजकल जो भी डिस्प्ले में आता है वह सब कुछ यहाँ पर भी है भाई, जो कि रेगुलर है भाई। यहाँ पर एक भी फास्ट डिस्प्ले में नहीं करा गया है, लेकिन देख सकते हैं यहाँ पर ही सेल्फी का कटआउट नहीं दिया गया है, डिस्प्ले के अंदर ही सेल्फी डाला गया है, जो कि देख सकते हैं भाई। बाकी इसका कैमरा से बात करते हैं, इसमें देख सकते 50 मेगापिक्सल का सोनी सेंसर के साथ OIS के साथ आता है भाई, 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेकिन वॉल्वी विजन सेंसर के साथ आता है, लेकिन इसमें देख सकते OIS के साथ आता है। उसके बाद इसमें टेलीफोटो लेंस नहीं, पैरोस्कोप लेंस आता है भाई, जो कि 64 मेगापिक्सल के साथ आता है। तो यहाँ पर भी OIS दिया गया है, काफ़ी मस्त भाई, जो कि आप लोग देखते हो केवल मेन कैमरा में जो कि OIS रहता है, आईफोन हो या सैमसंग हो, कोई भी कंपनी हो, केवल अपने मेन कैमरा में देता है या टेलीफोटो लेंस में दे देता है। लेकिन देख सकते हैं यहाँ पर तीनों कैमरा सेंसर में जो कि OIS दिया गया, जो कि कोई कंपनी नहीं किया है भाई, काफ़ी मस्त लगा हमको देखने में, अच्छा है ना। उसके बाद इसमें फ्रंट में सेल्फी आता है, तो भाई देख ही सकते भाई, कंपेयर कर रहे हैं भाई साहब, जो नोबिया वाले हैं बता रहे कि मेरा फ़ोन भाई तो बढ़िया फोटो लेगा, देख सकते AI को यूज़ करता है भाई। आजकल AI ना हो गया, लगता है कि घर एक घर की खेती हो गया, जिस तरह से बात करते हैं लोग। बाकी इसका भाई फोटो क्वालिटी देख ही सकते, जो भी अच्छा नहीं है पूरा है वो भी है। बाकी इसका हम वीडियो के बात कर ले तो भाई 4K में 120 FPS तक रिकॉर्ड कर सकता है, जो कि अभी इंडिया में जो फ़ोन आते हैं वहाँ पर देख सकते हो 4K 60 FPS, यहाँ तक कि आईफोन भी भाई 4K 60 FPS ही देता है, लेकिन यहाँ पर देख सकते 8K 30 FPS तो है भाई, लेकिन 4K में 120 FPS तक रिकॉर्डिंग दे रहा है भाई, काफ़ी क्रेजी लेवल का चीज़ है भाई, मस्त है भाई। बाकी इसका परफॉर्मेंस प्रोसेसर से बात कर ले तो इसमें लेटेस्ट प्रोसेसर आता है Snapdragon 8 Gen 3 भाई। प्रोसेसर के बारे में बात करने लायक है नहीं, हर एक कोई बता ही चुका है कितना पावरफुल प्रोसेसर है भाई। बैटरी चार्जिंग से बात कर ले तो चार्जर जो कि आप लोगों को 80 वाट का मिलने वाला बैटरी जो कि इसमें मिलने वाला है भाई 6000 mAh का। तो भाई एक मिनट चार्ज करो, दिन भर गेम खेलो, वीडियो बनाओ, जो अच्छी करना वो अच्छी करो भाई। यह फोन इंडिया में नहीं लेके आते भाई, जो कि काफ़ी हमको बेकार लगता है देखने में, क्योंकि इतना बढ़िया फोन, कितना मस्त चीज़ है भाई। आप लोग IP रेटिंग भी दे रहे हैं, जो कि 1.5 मीटर या 2 मीटर तक दुबा सकता है 30 मिनट के लिए भाई, तो काफ़ी अच्छा अंडर डिस्प्ले कैमरा है, जो मस्त जो भी होना चाहिए सब कुछ इस फोन में डाला गया भाई। बाकी आप लोगों को कुछ स्पेसिफिकेशन छूट रहा है तो देख सकते हैं भाई। बाकी आप तू समझा? हाँ तो सोचते इसका प्राइजिंग क्या है, तो भाई इसका प्राइजिंग देख सकते हैं, जो कि 51 या 52 हज़ार का प्राइजिंग में आता है भाई, वो भी चाइनीज प्राइजिंग भाई, इंडियन प्राइजिंग या अदर प्राइजिंग नहीं बता रहे हैं। ये फोन कैसा लगा आप लोगों को देखने में जरूर से कमेंट करिएगा भाई। बाकी चलिए अगले वीडियो में मुलाकात होता है। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।